हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं हांगकांग के थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड पे, जिसका नाम है लामा आइलैंड। वैसे तो हांगकांग में तीन मेन रीजन्स है, कवलुन, हांगकांग आइलैंड और लैंटाओ आइलैंड, पर इनके अलावा 250 से ज़्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स भी हैं जहां आप डे ट्रिप कर सकते हैं। लामा आइलैंड में दो फिशिंग विलेजेस हैं जहां सेंट्रल से 30-40 मिनट्स के करीब फेरीज चलती है। आज हम सोकुवान से युंगशुवान हाइक करेंगे। हाइकिंग के लिए सबसे जरूरी है अच्छा वेदर, लेकिन इस बार ये हाइक हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी अलग थी। अचानक मौसम बदलने के कारण हमें इस हाइक को दो बार शुरू करना पड़ा। ये कुछ क्लिप्स में आप देख सकते हो, पहले बहुत बारिश हुई और फिर काफी क्लियर वेदर था, जैसे बारिश कभी थी ही नहीं। इस पियर के पास में कुछ सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप उनकी लोकल डेलिकेसीज ट्राई कर सकते हैं। यहां पर एक 150 साल पुराना टिनहाउ टेम्पल भी है। सोकुवान पवेलियन पे रुककर आप कुछ फोटोज भी ले सकते हो या ये सेम पाथ फॉलो करके आगे जा सकते हो। ये हमारे हाइकिंग की ट्रेल लगभग 5 किलोमीटर की है। इसके हाईएस्ट पॉइंट से लामा पावर स्टेशन, उसकी तीन चिमनीज और कुछ यॉट्स भी दिखाई देती है। लामा पावर स्टेशन हांगकांग का सेकंड लार्जेस्ट कोल फायर्ड पावर स्टेशन है। लामा आइलैंड पर एक विंड टर्बाइन भी है, जिसे लामा विंड्स कहते हैं। ये टर्बाइन दुनिया में उन कुछ कमर्शियल स्केल विंड टर्बाइन्स में से है जो पब्लिक के लिए ओपन है। युंगशुवान से ये 30-35 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। युंगशुवान जाने के लिए यहाँ से मोस्टली आपको डाउनहिल ही जाना है। ये फिशिंग विलेज होने के कारण सी फूड लवर्स के लिए पैराडाइज है। यहाँ से आप सेंट्रल के लिए फेरी ले सकते हैं। फेरी की फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी है। आई होप आपको हमारी ये ट्रिप अच्छी लगी। और भी ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।